Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th June 2022. तो आज हम हिंदू और पीआईबी दोनों की न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे 6 जून की और आई होप कल आपने यूपीएससी प्रीलिम्स या तो दिया होगा या तो आपने एटलीस्ट पेपर देखा होगा एनालिसिस भी मैंने कल उसका किया है चैनल पे तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप एटलीस्ट देख सकते हैं एक बार तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि क्या पैटर्न है क्या कैसा है पेपर uh, इस साल का अगर देखें तो मॉडरेट टू टफ की तरफ ही था बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था पेपर है ना लास्ट ईयर के कंपेरिजन में क्योंकि शेयर फैक्ट्स पूछे गए थे बहुत सारे और फैक्ट्स भी ऐसे नहीं थे कि बहुत ईजी फैक्ट्स थे इनफैक्ट हिस्ट्री वॉज द टफेस्ट वन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ पूछी गई थी uh, जियोग्राफी के फैक्ट्स भी बहुत टफ पूछे गए थे ईसी अगर कोई चीज़ पूछी गई थी तो वो पॉलिटी पूछी गई थी और इकॉनमी तो पॉलिटी इकॉनमी बिल्कुल कंसेप्चुअल था फिर भी ईजी uh, था अगर आपको पता है तो ठीक अदरवाइज uh, कोई दिक्कत नहीं है करेंट uh, अफेयर्स में भी जो बॉडीज या कुछ ऐसा पूछा गया था बहुत ही आउट ऑफ द वे जा करके पूछा गया था फैक्ट बहुत पूछे गए थे लेकिन आउट ऑफ द वे जाके पूछा गया था तो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था मॉडरेट टू टफ की तरफ ही पेपर था है ना तो आई होप यू पी पी एल है मस्ट है आज का न्यूज एनालिस शुरू करने से पहले सबसे पहले सवाल देखते हैं आज के जो कि इंपॉर्टेंट है आज के आ, आप लोगों को अगले साल की जो तैयारी है उसके लिए थोड़ा मदद करेंगे एटलीस्ट तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ महलोबिस विच लेट डाउन द बेसिक आइडियाज रिगार्डिंग गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सेकेंड फाइव ईयर प्लान ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन द फर्स्ट सेवन ईयर प्लान्स ट्रेड वाज करेक्टराइज बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें इन से सही हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन टू वन थ्री थ्री या वन टू थ्री क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपको बताना है कि फाइव ईयर प्लान्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे वॉज नाइन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज गिवन ड्यूरिंग द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन क्वेश्चन नंबर थ्री है इंडियाज ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टू द लिबरलाइजेशन फेज इज लार्जली टर्म्ड एज हिंदू ग्रोथ रेट आपको बताना है कि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या है तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं आप इनको पढ़ लीजिए और इसमें से आपको बताना है कि आ, कौन सा हिंदू ग्रोथ रेट कहलाता है क्या कहलाता है हिंदू ग्रोथ रेट तो लेट मी टेल यू दी आंसर्स वन बाय वन पहला सवाल था इसमें जो पहला स्टेटमेंट है देखो वो गलत है कॉमन सेंस वाली बात है तो अगर आपको पता है तो ठीक नहीं तो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो था वो हैरड एंड डोमर के मॉडल पर बेस्ड था हेरड एंड डोमर का मॉडल कहलाता है वो हैर एंड डोमर मॉडल सेकेंड फाइवर प्लान जो था वो आपका महालानोबिस पी सी महालानोबिस मॉडल था या फिर इसको सोशलिज्म का भी मॉडल कहा जाता है पीसी महालानोबिस का मॉडल या सोशलिज्म का मॉडल भी कहा जाता है और पहला जो मॉडल था वो हैरड डोमर फर्स्ट फाइवर प्लान वॉज बेस्ड अपॉन हैरड एंड डोमर मॉडल तो पहला स्टेटमेंट इसमें से गलत हो जाएगा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड फाइवर प्लान सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर बेस्ड था तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट सही है आंसर होगा सी uh, दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था फाइव ईयर प्लान्स के रिगार्डिंग तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं प्लान हॉलीडे जो था वो नाइनटीन सिक्सटी था, था और गरीबी हटा वाज़ द स्लोगन इन द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान ये सही है तीसरा सवाल हिंदू ग्रोथ रेट के ऊपर था मैंने आपसे पूछा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा यहाँ पे फिनमिना ऑफ स्लगिशनेस इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकॉमी बिफोर नाइन नाइनटीज के पहले तक जो इकोनॉमी में स्लगिशनेस थी यानी स्लोनेस थी या धीरे धीरे जो चल रही थी उसी को बोलते हैं ये आप हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है ठीक है ना अब पी और ए प्लस द हिंदू के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आज के न्यूज़पेपर में वो सारे मैं आपके कवर कर देता हूँ ठीक है ना सो uh, so, पहली जो न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका नाम है लाइफ स्टाइल फ़ॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट लाइफ मूवमेंट स्टार्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है लाइफ मूवमेंट लाइफ मूवमेंट मतलब लाइफ स्टाइल फ़ॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट लाइफ स्टाइल फ़ॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ऐसी आप एक्टिविटीज़ करें या ऐसी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें जो कि इन्वायरमेंट कॉन्शियस लाइफ का पार्ट हो इन्वायरमेंट कॉन्शियस होकर के आपको अपनी लाइफ जीनी है अभी तक देखो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली इसका पूरा कंसेप्ट जो है वो मैं आपको बता तो यहाँ पे लास्ट मैंने लिखा भी है जो कंसेप्ट इज दैट कि जो आजकल का कल्चर चल रहा है कल्चर कौन सा थ्रो अवे कल्चर कि मतलब आपने चीज़ें यूज की और उसको थ्रो कर दिया इसको बोलते हैं थ्रो अवे कल्चर थ्रो अवे कल्चर ये कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड होता है तो ये पूरा जो कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड थ्रो अवे कल्चर है इससे कहीं ना कहीं लोगों को दूर करने के लिए और उनकी लाइफ स्टाइल में ऐसी चीजें करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप थोड़ा इन्वायरमेंट की तरफ सोच करके अपनी लाइफ स्टाइल को जिए है ना यू शुड लिव योर लाइफ थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट ठीक है ना तो फॉर दैट रीजन दिस मूवमेंट है मोदी एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे uh, कलेक्टिव अप्रोच से काम नहीं कर रहे थे हम अपना इंडिविजुअल का सोच के काम कर रहे थे बट नाउ इट इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड विदेक्टिव अप्रोच एंड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट तो ये लाइफ मूवमेंट याद रखेगा आपको आपको याद रखना है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट इसको लाइफ मूवमेंट बोलते हैं एंड आइडिया जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी एक स्टेटमेंट आ सकता है यूपीएससी में कि ये कब इंट्रोड्यूस किया था तो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंट्रोड्यूसडर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी सीओपी ट्वेंटी ग्लासगो में इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इसके अलावा यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डायवोर्स में जब दो में मिले थे तो प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज वहां पर इंट्रोड्यूस की थी पी प्रो प्लानट पीपल मूवमेंट ठीक है ना तो ये भी एक तरीके से इंडिया के क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स को दोबारा से रिट्रेट किया था P3, people, उन्होंने पी थ्री यानी कि प्रो प्लान पीपल प्रो प्लान पीपल मूवमेंट उन्होंने इनिशिएट किया था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ही इनिशिएटेड मूवमेंट है और इंट्रोड्यूस मूवमेंट है पी थ्री यानी कि प्रो प्लान पीपल और आपसे कोई पूछे कब किया था तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोर्स में अभी एजेंडा टू के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया प्रो प्लानट पीपल मूवमेंट और दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आगे यहां पर एक और चीज याद रखेगी कि ग्लासगो में हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है ग्लासगो में उन्होंने कहा था कि आ, हम जो अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आई एन डीसी है उनको 2030 तक पूरा कर लेंगे प्लस हमने कहा है कि 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी हम कर लेंगे 2030 तक एंड फिफ़्टी परसेंट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रीन्यूबल से आ जाएगी और दूसरा हमने ये भी कह दिया है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे प्लस सी ओ में हमने जब टारगेट सेट किया था आई तो हमने कहा था कि 2030 तक हम 33 थ्री टू थर्टी एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस कर लेंगे फ्रॉम टू लेवल्स है ना दो के लेवल के के हिसाब से एमिशन इंटेंसिटी हम तैंतीस से पैंतीस तक रिड्यूस कर लेंगे बाई ट्वेंटी तो ये हमने कुछ टारगेट सेट किए हैं दूसरी जो न्यूज है वो है प्रेसिडेंट हैज इनागरेटेड द संत कबीर एकेडमी अब जैसे कल आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के इनागरेशन पे दो सवाल पूछ लिए थे कि सोमनाथ का टेंपल इनागरेट कर रहे थे जब तब और दूसरा रामानुजम का स्टैचू इनागरेट करते समय तो यहां पे संत कबीर का अकेडमी इनागरेट किया है प्रेसिडेंट ने तो हो सकता है कबीर सक के बारे में पूछ लें तो थोड़ा सा मैं आपको कबीर के बारे में बताता हूँ ये एक्चुअली पहले से याद रखेगा कि रामनाथ कोविंद जी ने संत कबीर अकेडमी और रिसर्च सेंटर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में इनागरेट किया है कबीर के बारे में अगर हम बात करें तो कबीर वॉज पीपल हु कबीर वॉज समवन हुआ सिक्सटीन सेंचुरी एरा है ना वॉज वन ऑफ़ द मोस्ट इन्फ्लुशियल ये जो कंटेंट है पूरा एन सी आर टी का मैं आपको बता रहा हूँ uh, 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 तो इनका ताल्लुक था एंड uh, इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में जो नॉलेज मिलता है ये वास्ट कलेक्शन ऑफ हिज वर्सेज जिसको uh, साखी बोलते हैं साखीज ठीक है ना तो वास्ट कलेक्शन ऑफ हिस्स वर्सेज इज नोने जानकारी मिलती है एंड पदस इनको पद बोलते हैं ना साइन और पद साखी और पद से इनके बारे में जानकारी मिलती है जब वो घूमते थे तो गाते हुए गुं, घूमते थे भजन सिंगर्स, कई बार जानकारी में, में और बीजक में तो बीजक तो एक्चुअली पूरा इनका कंपाइलेशन ही है लेकिन याद रखेगा गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी में भी आपको कबीर के कहे हुए जो कई कबीर की जो वर्सेज हैं वो मिल जाएंगे ठीक है you know? कबीर की अगर टीचिंग की हम बात करें तो कबीर वॉज कबीर टीचिंग वॉज बेस्ड ऑन कम्प्लीट इंडीड वहमेंट रिजेक्शन ऑफ अदर मेजर रिलीजन ट्रेडिशन तो बाकी जो रिलीजियस ट्रेडिशन था उनका काफ़ी वहमेंट अपोजिशन किया था कबीर ने टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुज्म एंड इस्लाम तो दोनों की चाहे वो हिंदुजम हो चाहे इस्लाम हो दोनों की जो एक्सटर्नल uh, वर्शिप थी उसको रिडिक्यूल किया था uh, संत कबीर ने एंड द प्री एमिनस ऑफ द एंड द कास्ट सिस्टम इसको भी अपोज किया था जो कास्ट सिस्टम था या प्रिस्टली क्लासेज का जो प्रियमिनंस था उसको अपोज किया था लैंग्वेज ऑफ इस पोइट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाई ऑर्डिनरी पीपल ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो आम आदमी समझ सके ही ऑल्सो समटाइम्स यूज क्रिप्टिक लैंग्वेजेस विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो क्रिप्टिक लैंग्वेज का भी यूज उन्होंने किया है अगर यूपीएससी आपको दे दे कि भैया कई कई बार उन्होंने क्रिप्टिक लैंग्वेज का यूज किया है तो आप गलत नहीं करना उसको सही है कभी कभी उन्होंने क्रिप्टिक लैंग्वेज का यूज किया है कबीर बिलीवड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड है ना तो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड यानी कि निर्गुण भगवान का सुप्रीम गॉड का उन्होंने आ, ब, 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 बिलीव रखते थे एंड ही प्रीज्ड दैट दी ओनली पाथ टू सेल्वेशन वॉज थ्रू भक्त भक्ति और डिवोशन उनका ये मानना था कि ओनली पाथ टू सेलवेशन इज थ्रू भक्ति और डिवोशन ठीक है ना तो ये भी उनका मानना था कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोध हिंदू एंड मुस्लिम तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हिंदू से भी आते हैं और आ, मुस्लिम कैटेगरी से भी आते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म वाले मानते हैं इनको सब मानते हैं तीसरी न्यूज है चाइना सेंड्स थर्ड मैंड मिशन टू बिल्ड इट्स तियांग स्पेस स्टेशन अब आपको पता है कि चाइना एक एकमात्र ऐसी कंट्री है जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रही है ठीक है ना चाइना अकेले का एक स्पेस स्टेशन बनेगा जिसको तियानगोंग बोलते हैं चाइना खुद का अपना स्पेस स्टे स्टे स्टेशन बना रही है अभी उन्होंने तीसरा मॉड्यूल उसका भेजा है तियानगोंग का और दे हैव सेंड दैट फ्रॉम स्पेस स्टेशन अब याद रखिएगा तियानगोंग स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल उन्होंने भेजा है और uh, तियानहे कोर मॉड्यूल है याद रखिएगा तियानहे कोर मॉड्यूल है ये एंड चाइना इज प्लानिंग टू हैव तियानगोंग स्पेस स्टेशन फुल्ली क्रूड एंड ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2022 दिसंबर 2022 तक वो चाहते हैं कि उनका जो तियानगोंग स्पेस स्टेशन वो फुल्ली क्रूड हो जाए और फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए ठीक है ना और एक और चीज़ याद रखिएगा कि उन्होंने भी जो लॉन्च किया था कल जो तीसरा मॉड्यूल वो लॉन्ग मार्च टू एफ रॉकेट का यूज़ करके और गोभी डेजर्ट में इनका सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है गोभी डेजर्ट में तो गोभी डेजर्ट याद रखेगा इनर मंगोलिया में आता है गोभी डेजर्ट कहाँ पर आता है इनर मंगोलिया में आता है वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था और तियान के कंप्लीशन के बाद चाइना विल बी दी ओनली कंट्री टू ऑपरेट अ स्पेस स्टेशन ऑफ इट्स ओन चाइना विल बी दी ओनली कंट्री टू ऑपरेट ऑपरेट अ स्पेस स्टेशन ऑफ for its own अगली न्यूज देखो इंडिया ने अचीव कर लिया है टारगेट ऑफ टेन परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग चाहे इंडिया ने अचीव कर लिया है टारगेट टेन परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग का आ, पाँच महीने पहले शेड्यूल से पाँच महीने पहले याद रखेगा इंडिया ने एक पॉलिसी लेकर के आया था जिसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स ठीक है ना दो में गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जिसका टारगेट था कि बीस परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग दो तक करना है रिसेंटली आपको पता होगा कि ये टारगेट रिड्यूस करके हमने कहते दिया था कि 2030 की जगह 2025-26 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग का ठीक है ना सो दैट वाज द दैट वाज द प्लान तो आपको याद रखना है कि पहले नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल्स ने कहा था कि 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग 2030 तक अचीव कर लेंगे फिर हमने बाद में टारगेट चेंज कर दिया और कहा कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग हम दो से एडवांस करके दो तक कर लेंगे इसके बाद हम एक रोड मैप दो हज़ार इक्कीस में लेकर के आए जिसको बोलते हैं रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ठीक है ना क्या बोलते हैं इसको रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बोलते हैं 2020 2025 इस रोड मैप में हमने ये मेंशन किया था कि एक इंटरमीडियरी टारगेट है हमारा इंटरमीडिएट टारगेट है हमारा कि हम 2022 नवंबर 2022 तक हम 10 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेंगे अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये क्या करेंगे कि जो ये पेट्रोल हम यूज करते हैं ना पेट्रोल और डीजल में हम जो यूज कर रहे हैं इसमें इथेनॉल मिक्स करेंगी है ना दस तक या पंद्रह तक या बीस तक इथेनॉल की मिक्सिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हम एक ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारा ऑयल इंपोर्ट डिक्रीज होगा दूसरा कि जो हमारा फ्यूल थोड़ा क्लीन फ्यूल बनेगा थोड़ा क्लीनर फ्यूल बनेगा और एमिशन इंटेंसिटी भी घटेगी है ना तो ये कुछ दो बड़े बेनिफिट्स हैं जो जो कि हमको इससे मिलेंगे सो so, ये इथेनॉल प्रोग्राम है ये हमारा ऑन ट्रैक है और हम अपना ट्वेंटी का जो टारगेट हमने टू थाउजेंड तक का किया है वो हमारा पूरा हो जाएगा क्योंकि हमने नवंबर दो की जगह अभी जून में ही अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लिया ठीक है ना पाँच महीने पहले दस परसेंट का तो इंटरमीडिएट टारगेट जो था वो हमने पूरा कर लिया है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन रिपोर्ट हैवी मेटल पोल्यूशन सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट अब एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एक रिपोर्ट निकालता है याद रखेगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एक रिपोर्ट निकालता है इस रिपोर्ट का नाम क्या है इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू याद रखेगा स्टेट ऑफ द इवायरमेंट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 किसने निकाली है तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने ये रिपोर्ट निकाली है अब ये जो रिपोर्ट है ये एनुअल कंपेंडियम है एन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के डेटा से कंपाइल होता है और ये देखता है कि डेवलपमेंट का कितना इंपैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटीज कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है सारी चीजें मॉनिटर होती हैं तो इनमें मॉनिटर करते समय ये पता लगा कि अगर आप देखो तो इस सर्वे में पता चला कि आयरन निकल लेड कैडमियम

जैसे गंगा हो गया या बहुत सारा गंगा में बहुत सारे कंटेमिनेट्स देखने को मिले है ना तो ये स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 है याद रखेगा इसके अलावा इसने कोस्ट लाइन इरोजन के बारे में बताया कि ओवर वन थर्ड ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन जो कि जिसमें कि इरोजन है वन थर्ड से ज़्यादा कोस्ट लाइन है जिसमें इरोजन है और वेस्ट बंगाल जो है वो वर्स्ट हिट है है ना वेस्ट बंगाल जो है वो वर्स्ट हिट है सिक्सटी परसेंट लाइन वेस्ट बंगाल की जो है वो इरोजन से इफेक्टेड है ठीक है ना और ये क्या रीजन था मेन कोस्टल इरोजन का तो वो था इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स एंड सी लेवल राइज़ एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर्स बीच माइनिंग बिल्डिंग ऑफ डैम्स तो क्या रीजन था कोस्टल इरोजन का तो कोस्टल इरोजन का रीजन था फ्रीक्वेंसी ऑफ जो साइक्लोन्स है वो बढ़ गई है सी लेवल का राइज़ अब सी लेवल का राइज़ भी एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण ही होता है तो वो भी दूसरा रीजन है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी इंसानों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर्स बीच माइनिंग हो गया डैम बिल्डिंग हो गया ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहती हैं ठीक है ना इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ओशियन हेल्थ इंडेक्स है अगर आप उसको देखेंगे तो ओशियन हेल्थ इंडेक्स में ओशियन का जो मतलब जो ओशियन हेल्थ इंडेक्स का जो मेजर है वो इम्प्रूव हुआ है ग्लोबली वो इम्प्रूव हुआ है लेकिन इंडिया का स्कोर जो है वो डिक्लाइन कर गया है तो इंडिया का जो ओशियन हेल्थ इंडेक्स है ओशियन का जो हेल्थ इंडेक्स है वो थोड़ा डिक्लाइन कर गया है ठीक है ना सो दैट इज़ अनदर थिंग विच वॉज देयर एंड ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2017 से 2021 के बीच में 0.5 परसेंट का उसमें आपको इंक्रीज दिखेगा है ना इंक्रीज एंड टेक एन प्लेस लेकिन मोस्ट ऑफ द इंक्रीज जो हुआ है वो ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में हुआ है जिसमें कमर्शियल प्लानेस इंक्लूड रहता है तो ये दिक्कत यह है कि जो मोस्ट ऑफ़ द इंक्रीज है वो ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में हुआ है जो कि कमर्शियल प्लांटेशन में आता है और मॉडरेट डेंस जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे कम हो गए मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हमारे कम हुए हैं जो कि क्लोज टू ह्यूमन हैबिटेशन होते हैं और इसके अलावा Uh, जो मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कि मैक्सिमम आपका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं वो केवल केवल थ्री परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर है वो केवल थ्री परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर है तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है अब अगली जो न्यूज है वो है ई वी टी ओ एल्स ई विटॉल्स ई विटॉल क्या होते हैं ई विटॉल आपका होता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट ठीक है ना एक्रोनिम क्या कहलाता है ई विटॉल का फुल फॉर्म क्या होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट ये इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है ई विटॉल नेक्स्ट ईयर तो ई विटॉल क्या है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इट इज़ वन ऑफ दैट यूज इलेक्ट्रिक पावर टू होवर टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली तो ये वर्टिकली लैंड कर सकता है जैसे आप अगर आपने देखा होगा एयरप्लेन कैसे ऐसे ऐसा लैंड करता है वो इस तरीके से आता है फिर नीचे एक टच डाउन होता है फिर उसके बाद आगे, आगे बहुत देर तक जाता है लेकिन जो ये ई e विटॉल्स होते हैं आपका इलेक्ट्रिक होते हैं पहली चीज़ और दूसरी चीज़ वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं ई विटॉल इसको बोलते हैं देखो ये लिखा है ना इसकी तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं ई विटॉल एंड इसका कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है और सबसे पहली बात एक बता दूं कि जैसे फ्लाइंग कार्स आपने देखी होगी ना तो कुछ लोग इनको ईविटॉल्स को फ्लाइंग कार्स भी कहते हैं तो लेकिन इनको इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा एक्यूरेटली आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर्स एक तरीके से जो रेगुलर हेलीकॉप्टर होता है वो वी होता है रेगुलर हेलीकॉप्टर कैसा आपने देखा होगा कि ये वर्टिकली अप एंड डाउन होता है अगर आपने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में डिफरेंस देखा हो तो एरोप्लेन आपका वर्टिकली नहीं होता वो ना उसका uh, जब आपने देखा होगा कि वो uh, टेक ऑफ करता है तो भी वो वर्टिकली नहीं कर पाता है पहले बहुत देर तक रनवे में चलता है उसके बाद वो इस तरीके से एक मतलब क्या बोलते हैं उसको हाइपर वोला बोलेंगे सर हाइपर वोला प्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है एंड उसके बाद जब वो डाउन होता है तो भी वो इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है वहीं पे अगर हेलीकॉप्टर रेगुलर जो हम देखेंगे तो वो वी टी ओ एल होता है यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड टच डाउन होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड डाउन वर्टिकली होता है ठीक है ना तो जब ऐसी है जब हम ऐसे ही हेलीकॉप्टर में जब हम इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ करने लगे तो इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होगा तो ये ई विटॉल कहलाता है ये कंसेप्ट है ई विटॉल का ठीक है ना Uh, ये आपको याद रखना है जो ईविटॉल्स e होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं याद रखेगा इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है ना तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट सी बात इस है इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि अभी आपको पता होगा कि इस टेक्नोलॉजी में अन पायलटेड एंड पायलटेड एयरक्राफ्ट्स का यूज़ किया जाता है इसलिए क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम पे एरिया इस समय फोकस कर रहा है क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम इसमें डेवलप करने के लिए एक काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं दूसरा इसके अलावा इनमें कैमरास का राडार का जी का इन्फ्रा स्कैनर्स का यूज़ होता है अब ऐसे केसेज में इश्यूज होते हैं सेफ्टी के है ना जैसे कि आपका पावर प्लांट या रोटर फेलियर का इशू होता है एयरक्राफ्ट का प्रिवेंशन कैसे हो फ्रॉम साइबर अटैक्स अब चूंकि इसमें इतनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना कि जीपीएस यूज़ हो रहा है कैमरा यूज़ हो रहा है राडार यूज़ हो रहा है तो अगर मान लो इस पर साइबर अटैक हो गया तो क्या करोगे है ना और इसको इसका जीपीएस हैक हो गया तो क्या करोगे तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इशूज़ वाली हैं तो ये भी एक, एक एरिया है तीसरा जो है और तीसरा जो है द थर्ड एरिया जो अभी चैलेंज में है इज इन नेविगेशन एंड फ्लाइट सेफ्टी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वेन ऑपरेटिंग इन डिफिकल्ट ट्रेन जब डिफिकल्ट ट्रेन में ये यूज़ होगा तो फिर क्या कैसे होगा अच्छा इसका एडवांटेज भी ये भी है कि इसका एडवांटेज भी है कि डिफिकल्ट ट्रेन में अगर आप चाहें तो इनका यूज कर सकते हैं और डिफिकल्ट ट्रेन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ठीक है ना uh, क्योंकि आप इसमें वर्टिकल लैंडिंग एंड वर्टिकल टेक ऑफ कर रहे हैं ठीक है तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ये भी कि एक रीजन है कि क्यों इसका यूज भी हो सकता है लेकिन वहीं इसका फिर एक चैलेंज भी आता है कि आप डिफिकल्ट ट्रेन में या अनसेफ ऑपरेटिंग एनवायरमेंट में या बैड वेदर में अगर इसका टेक्नोलॉजी खराब हो जाए या टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो फिर क्या होगा उस समय अगली जो न्यूज़ है वो है मियाँ वाकि फॉरेस्ट अभी यह कल वैसे एग्जाम में भी आया था आ, ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक है पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है मियाँ एक टेक्निक है जिसको जैपनीज़ बॉटनिस्ट अकीरा मियाँ वाकि ने डेवलप किया था इट हेल्प्स इन बिल्डिंग डेंस नेटिव फॉरेस्ट जो आपका अर्बन फॉरेस्ट होते, है, होते हैं नेटिव फॉरेस्ट होते हैं उनको बिल्डअप करने के लिए बहुत कम स्पेस में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत फास्ट ग्रोथ कर सकते हो है ना विच इज़ थर्टी टाइम्स डेंसर दैन यूजल जब आपके पास स्पेस कम रहता है तो आप मियाँ वाकि मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं एंड अकीरा मिया ने इसको डेवलप किया था जैपनीज़ ये पाइनियर है पाइनियर है ऑफ दिस मेथड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूछा गया था क्वेश्चन कल आपके यूपीएससी में भी अगली न्यूज़ है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग अब एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ने कॉम्प्लेक्स ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं याद रखेगा है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है ये कंस्टिट्यूएंट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तो किसकी यूनिट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की यूनिट है और इट वॉज इस्टैब्लिश्ड एट हैदराबाद ड्यूरिंग अर्ली नाइनटीज नाइनटीन तो उन्नीस सौ में इसको बनाया गया था नाइनटीन सेवेंटी में इसको फॉर्म किया गया था और ये याद रखेगा कॉन्स्टिटेंट यूनिट किसकी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी

ये इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जुर्कोनियम रिएक्टर कोर स्ट्रक्चर्स तो जूकोनियम एलॉय रिएक्टर कोर स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में प्रेशर ट्यूब्स कैलेंड्रिया ट्यूब्स गार्टर स्प्रिंग्स ये सभी डेवलप होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यही आपके न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट अब वर्ल्ड का पहला फिशिंग कैट सेंसस कहाँ पे हुआ है चिलिका लेक पे किया गया है चिलिका लेक आपको पता है कि एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है उसमें एक सौ फिशिंग कैट्स मिली हैं और ये चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के कोलाबोरेशन में ये सेंसस किया था द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ सेंसस ये कोलाबोरेशन में किया था एंड फिशिंग कैट का याद रखेगा इंडेंजर्ड है अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वलरेबल बहुत जगह मिलेगा लेकिन याद रखेगा इट इज़ इंडेंजर्ड इन नेचर है ना डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं उसमें लिखा है इंडेंजर्ड नेचर है इसका और इसके अलावा याद रखेगा फिशिंग कैट जो होती है वो ऑलमोस्ट टॉइस द साइज ऑफ़ नॉर्मल हाउस कैट होती है तो नॉर्मल हाउस कैट की टॉइस साइज का होता है जनरली दे आर फाउंड इन मार्शी वेटलैंड ऑफ नार्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया तो नर्दर्न एंड इंडियन ईस्टर्न इंडिया के ये मार्शी वेटलैंड में पाई जाती है जो मैनग्रूव्स हो गए ईस्ट कोस्ट के वहाँ

Uh, ये आपका याद रखेगा uh, ले स्विंग्स इसको बोलते हैं लेस विंग्स बोलते हैं जाइंट लेस विंग भी होती है एक तो इस तरीके की एक स्पेशीज है इंटेक्सट है इंसेक्ट है यह वेस्टर्न घाट में पाई गई है सो दीज आर इट फॉर टूडेज न्यूज़ पेपर एनालिसिस आई होप यू लाइक आर वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड अ नाइस डे